अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ बर्स पिज़्ज़ा, जो कि बनाना बिल्कुल ईजी है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें। देखें, जहाँ पर मैंने लिया 2 कप मैदा, आधा टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून जो चीनी, जो 2 टेबलस्पून मैंने लिया मक्खन, जहाँ पर लिया ईस्ट 1 टीस्पून। पहले हम अपनी ईस्ट को एक्टिव कर लेंगे। आधा ग्लास मैंने नीम गर्म पानी का लिया, इसके अंदर डालेंगे चीनी, ये ईस्ट डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। आपने पानी नीम गर्म लेना, ठंडा पानी नहीं लेना, इससे आपकी ईस्ट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ऊपर से मैं थोड़ा सा मैदा डाल दूंगी, इसको ऊपर से आपने हिलाना नहीं, इसको ढककर मैं 10 मिनट के लिए एक्टिव होने के लिए रख दूंगी। जहाँ पर मैंने लिया 300 ग्राम चिकन, इसको मैं इसी तरह से क्यूब की शक्ल में काट लिया। अब इसको हम करेंगे मैरिनेट। जहाँ पर डालूंगी 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सिरका गया, 1 टीस्पून जजीरा पाउडर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई, आधा टीस्पून ये दड़ा मिर्च ये शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से हिला के मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट इसको साइड पे कर देंगे। माशाल्लाह से ईस्ट हमारी एक्टिव हो चुकी है, ये देखिए कैसे फूल के ऊपर तक आ गई है। अब शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, ये 2 कप मेरे पास मैदा था, इसके अंदर आधा टीस्पून नमक जाएगा, आधा टीस्पून से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया। ये बटर, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था, इसको शामिल करेंगे इसके अंदर, अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मक्खन को अच्छी तरह से पहले हल्का लेंगे, मैदे के अंदर मसल लेंगे। अब डालेंगे एक्टिव की हुई ईस्ट, अच्छी तरह से हिला के एक कप दूध, ये फुल फैट दूध है, दूध को शामिल करेंगे। कि नरम सी डो बनानी है, इसको अच्छी तरह से आपकी डो इस तरह की नरम होनी चाहिए ऐसे। अब हम इसको थोड़ा सा गूंदेंगे ताकि हमारी डो बिल्कुल सॉफ्ट बने। जितना अच्छी तरह से गूंदेंगे उतनी हमारी पिज़्ज़ा की डो अच्छी बनेगी। इसको अच्छी तरह से गूंद लिया, अब लगाएंगे ऊपर थोड़ा सा ऑयल ताकि ये चिपकना बंद हो जाए। ऑयल ऊपर लगा के हम इसको राइज होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ढककर। ये देखें माशाल्लाह से ऊपर लगाएंगे ऑयल, हाथों को मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इस सैर को उल्टा करेंगे। ऊपर भी ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा, इसको
एक घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देंगे। देखें बॉल को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया, ऊपर से ढककर मैं एक से डेढ़ घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दूंगी। चूल्हे के ऊपर रख दिया, इसमें डाल दिया डेढ़ टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, जब आप डालेंगे एक टीस्पून ये लहसुन कुटा हुआ, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन को हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लिया, अब शामिल करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। देखिए चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, अब इसमें पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब डाल दूंगी आधा कप इसके अंदर पानी। इसको मीडियम फ्लेम पे ढक कर पकने के लिए 7 से 8 मिनट तक छोड़ देंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया कैचअप, आधा कप डालेंगे कैचअप। फटाफट से पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेंगे। अब शामिल करेंगे यहाँ पर मैंने लिया 2 चुटकी नमक, आधा टीस्पून धड़ा मिर्च, 2 चुटकी ऑरिगैनो जो सूखा धनिया, आधा टीस्पून जीरा जो भुना और कुटा हुआ है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को शामिल करेंगे केचप के अंदर। इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 चुटकी मैंने नमक और डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। करते हैं साइड पे। देखें माशाल्लाह से डो हमारी बिल्कुल राइज हो चुकी है। अब हम इसको पहले लगाएंगे हाथों को थोड़ा सा ऑयल। अब हम इसको पंच मारेंगे इस तरह 2-3 बार। देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी राइज हुई। इसको कर लेंगे सेट। काउंटर पे करेंगे थोड़ा सा मैदा डस्ट। इसको निकाल के थोड़ा सा इस तरह करके तीन ही से इसको करेंगे साइड पे। पहले हमने इसकी रोटी बेल लेनी है, पतली सी एक रोटी बेल लेंगे। बड़ी सी रोटी बेल लेनी है पतली सी। तवे को मैंने ऊपर चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। इस तरह से इसके किनारे सेट कर लेंगे। आप हाथों के साथ भी कर सकते हैं, बेलन के साथ भी कर सकते हैं। तवे के ऊपर मैंने जो पिज़्ज़े की रोटी बेली थी वो मैंने डाल दी है। इसको चारों तरफ से सेट कर लेंगे। इसको हल्का हल्का दोनों तरफ से हम पकाएंगे। रोटी को मैंने दोनों तरफ से हल्का हल्का पका लिया। अब हम इसको निकालते हैं, बेलना शुरू करते हैं। पहले हाथों के साथ अच्छी तरह से फैला लेंगे,
ये काम आप हाथों के साथ भी कर सकते हैं। इसके अंदर लगाएंगे ऑयल, ऑयल को आपने अच्छी तरह से लगाना। चारों तरफ किनारों से भी अच्छी तरह आपने ग्रीस करना। अब हमने जो रोटी बनाई थी इसके अंदर रखेंगे, इसको अच्छी तरह से हम लगा लेंगे इस पे निशान। अच्छी तरह से ताकि हमारा पिज़्ज़ा रोटी की तरह फूले नहीं। चारों तरफ से आपने अच्छी तरह लगा लेने, जहाँ से किनारों पे भी। अब जहाँ पर मैं ले रही हूँ, जब मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ मिक्स करके ये शामिल करेंगे। आप हाँ, अब चीज़ शामिल करने के बाद हमने जो रोटी ऊपर पकाई थी ये रखेंगे। इसको भी हम फॉक की मदद से इसके अंदर भी सुराख कर देंगे। सॉस चीज़ जाएगी। को करेंगे सेट, इस तरह से आपने इसकी शेप देते जाना। अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। शामिल करेंगे जो चिकन, इसको डालेंगे ऊपर। आएंगे अब सब्जियां, जो पहले लगाऊंगी मैं टमाटर। शिमला मिर्च, ऊपर प्याज शामिल करेंगे। ब्लैक ऑलिव्स मिक्स, ओरिगानो थोड़ा सा ऊपर टेस्ट करेंगे। हम ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से। पतीले के अंदर नमक डाल के मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम डालेंगे अपना पिज़्ज़ा ट्रे। इसको डाल देंगे, चीज़ डालना भूल गए थे। अब ऊपर डालेंगे चीज़। इसी तरह से चारों तरफ डाल देंगे। अब ऊपर से कवर करके इसको 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं अपने पिज़्ज़े को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो माशाल्लाह से पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। हम करेंगे ढक्कन बंद। हमारा हो चुका है, अब हम इसको निकालेंगे अपनी प्लेट के अंदर। ये देखे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे से भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखे माशाल्लाह से कितना प्यारा नीचे से भी हमारे पिज्जे का कलर आया। सा ठंडा कर लिया। अब हम आप कोई भी क्रीम, कुकिंग क्रीम लेंगे, उसको मैं आप किसी थैली के अंदर डाल के पैकिंग बैग के अंदर भी आप डाल सकते हैं। डाल के इस तरह आपने इसके डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखें माशाल्लाह से
इस तरह से। कटिंग करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो माशाल्लाह कितना सॉफ्ट हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ। आपको निकाल कर दिखाते हैं। देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये पिज़्ज़े की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त। अपना